टूर के लिए तैयार? शुरू करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्पेशली मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि मतलब मुझे लगा नहीं कि भी ये तैयार होना चाहिए इस चीज के लिए, बट फिर भी मम्मी पापा ने कहा कि भैया ब्लेजर पहन के अच्छे लगोगे, तो बताना जरूर कि कैसा लग रहा हूं। तो आज का पूरा सिर्फ यही है कि आज मुझे अपने ऑफिस का टूर कराना है और कुछ अलग बाहर का, यहां से बाहर का कुछ भी नहीं दिखाऊंगा और सब यहीं का है। तो आज स्टार्ट करते हैं। लिविंग रूम कहां से आ गया? लिविंग रूम नहीं, मतलब बैठने की जगह। हाँ, तो करेक्शन है। तो मेरे साथ को होस्ट करेंगे मेरे पिताश्री। तो एक चीज मेरे को बतानी है कि दिस इज नॉट अ लिविंग रूम बट दिस इज अ लॉन्च। हाँ, इट्स एलएस कॉमन। हाँ, इट्स अ कॉमन लॉन्च, बट यहाँ पे सब बैठते हैं, कस्टमर्स भी बैठते हैं और यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, सुबह की मीटिंग्स होती हैं, जो भी बातें होती हैं यहाँ पे, तो वो सब यहाँ पे बैठ के होती हैं। और दिस इज अ जस्ट अ नॉर्मल मीटिंग और हमारे साथ कुछ क्रूज बैठे हैं और हाय बोल सकते हो। हाय। तो यहाँ पे नॉर्मल मीटिंग्स होती है वगैरह, जो भी मतलब प्रोग्रेसिव वर्क का होता है या जो भी वर्कलोड्स होते हैं उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो वो सब यहाँ पे होता है। और जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ दिखने में कैसा है। सो दिस इज द कस्टमर लाउंज। तो यहाँ पे सब अभी क्रू बैठे हैं और दिस इज द होल एरिया, यहाँ पे कस्टमर्स आराम से बैठते हैं। सो दिस इज द कैनवस विच जो हमने अभी बनवाया था, जो आपने लास्ट व्लॉग में जरूर देखा होगा। तो ये कैनवस अभी जस्ट बनवाया और बहुत अच्छा है, और कूडोज टू माई ऑल द क्रूज कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो दैट्स वाई दिस कैनवस हैज बीन मेड। और उससे भी बड़ा आश्चर्य जाएगा कि जिन्होंने प्रिंट आउट करवाया है इस चीज का कैनवस का, तो बहुत अच्छा है दिखने में। और यहाँ पे भगवान जी का एरिया है, यहाँ पे हमेशा सुबह पूजा करके जाते हैं और वैसे तो पापा करते हैं पूजा सुबह सुबह। और ये एरिया है लाउंज से जस्ट बगल में, ये एरिया है आपका रिसेप्शन तो है ही, और उसके साथ साथ ज्वाइंट है मेल का और फीमेल्स का हेयर ड्रेसिंग एरिया। और यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगी। तो बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या इसमें अवेलेबल है। आपको सिर्फ करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी है, उसको जरूर क्लिक करके आप जरूर देख सकते हो। हाँ, दिखा रहे हो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आप जरूर उस पे जो भी आपको चीज करानी है वो सब आप सर्च कर सकते हो और उसको आप जरूर ये दिखा सकते हो कि आपको क्या काम चाहिए। और बस आ जाओ, विजिट करो और काम आप करवा लो और मजे में रहो। पापा ने पकड़ लिया है। तो पहली बार आप मेरे को हैंड्स फ्री देख रहे हो व्लॉग करते हुए। तो दिस इज दी ओनली, मतलब दिस इज द नॉर्मल आर्टिफिशियल ग्रास, इट्स नॉट अ वर्टिकल गार्डन। ये मैं सोचना कि यहाँ पे है, क्योंकि वर्टिकल गार्डन लगवाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर लगवा लिया तो पूरा गार्डन सूख जाएगा, इतनी यहाँ पे गंदी बांस मारेगा, फिर फायदा नहीं है। और ये जो है, आ जाओ पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और पास, हाँ बस 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 बस। तो ये वाला जो है, ये ब्लॉक हमने बनवाया सीधा वहीं से, जहां से ये प्रिंट आउट का जो आपने कैनवस देखा था, तो वो हमने बनवाया। और फ्रॉम दैट प्लेस ओनली हमने यही सब, ये पूरा ब्लॉक्स का बनवाया। अगर पास और लेकर आ जाए पापा, तो ये ब्लॉक्स पूरा गोल्डन कलर में है और प्रॉपर मतलब प्लास्टिक है, बट आपको लगेगा नहीं प्लास्टिक का है, बट बहुत अच्छा इसका मटेरियल है। और भगवान करे गिरे ना, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा है। कैसा? बढ़िया बोल सकते हो। गिरेगा थोड़ी ना, चिपका हुआ है ऑलरेडी। अब आते हैं और भी वैसे मेल हेयर ड्रेसिंग एरिया है। मैं जस्ट और चीज बताना चाहता हूँ, आइए। और ये पूरा हेड स्टैंड का, ये पूरा हेड वॉश का एरिया है, अगर यहाँ पे ले, ये पूरा हेड वॉश का एरिया है।
यहाँ पे मतलब आपका पर्टिकुलर आपका हेड वॉश होता है, ऊपर कर ले भाई तो यहाँ पे पूरा हेड वॉश सबका होता है, यहाँ पे लेडीज का भी होता है, जेंट्स का भी होता है एज यूजल। तो यहाँ पे यू विल गेट एवरी टाइप ऑफ शैम्पूज विच यू वॉन्ट, कि आपके पास हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वेरियंट्स के हैं। तो मैं जैसे कह रहा था कि यहाँ पे हर टाइप के आपको शैम्पूज मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिपेयर के हैं, लिपिडियन शैम्पूज हैं और एक्सटेंसोज हैं और लिस का भी है, मेथिक ऑयल का भी है। तो यहाँ पे हर टाइप के आपको शैम्पूज मिलेंगे, आपकी देरी है कि आपको कौन सा आपको शैम्पू अप्लाई करवाना है। सो और कुछ नहीं बचा है कि आपको मतलब ऐसा कुछ है नहीं, आपको जो चाहिए वो सब अवेलेबल रहेगा, बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल शैम्पूज विच वी शो टू यू। और आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं अपने सैलून का थीम। आपको पता है कि देर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स इन आर ऑफिस, वन इज ऑफ सैलून, सेकेंड इज ऑफ मेकअप एंड थर्ड इज फॉर द अकेडमी। सो वी आर जंपिंग ऑन ऑन द सेकेंड कॉलम विच इज कॉल्ड मेकअप। तो दिस इज आवर मेकअप स्टूडियो, ये नॉर्मल पूरा हमारा मेकअप स्टूडियो है और यहाँ पे सबके हर टाइप के मेकअप होते हैं और ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो दिस इज दीज आर द टू चेयर्स फॉर द मेकअप, और आराम से यहाँ पे ब्राइड्स यहाँ पे आराम से बैठ के मेकअप करवाती हैं और बहुत अच्छा होता है मेकअप। और आपने देख ही लिया है जो कैनवास आपने देखे हैं, और बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही स्पेशल मतलब उनको फील कराया जाता है जब उनका मेकअप होता है। तो इट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स जो हम लोग हमेशा उनके लिए जरूर करते हैं। और यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, ये उनके लिए बैठने के लिए है ये सोफा, और ऐसे यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे मेकअप का जो भी आपको सामान जो भी यूज होता है। और दिस इज द एरिया फॉर द मेकअप, और जैसे कि आप देख ही लोगे यहाँ पे हर टाइप के आपको जो भी आपको जिस टाइप का भी आपको मेकअप करवाना है यू विल गेट एवरीथिंग फॉर इट। तो ज्यादा देर मत करो, जिनको ज्वाइन करना है जरूर ज्वाइन कर सकता है और देरी मत लगाओ, और आगे चलते हैं अकेडमी के लिए। सो थर्ड कंपोनेंट। और भैया आ गए हम अपने तीसरे कंपोनेंट पे विच इज कॉल्ड अकेडमी। सो दिस इज द अकेडमी, और आपने देख ही लिया होगा कि एकेडमी देखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा एकेडमी है। दिस इज अ डिसेंट एकेडमी जो आप चाहेंगे या आपके पास हो, और यहाँ पे प्रॉपर पूरा मतलब इट्स बेसिकली ऑल फॉर द स्टूडेंट्स, की मतलब मिरर लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो मेकअप का कोर्स करना ही है तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे तीन शीशे यहाँ हैं और एक चौथा शीशा इधर है, तो चार शीशे लगे और दो उधर के भी आप मान सकते हो, क्योंकि डैट वुड बी यूज एज अ लैब, और नॉट ओनली इट विल बी फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल बट इट वुड बी फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन थ्योरी। क्योंकि होता क्या है कि यस वी डू एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली मोर देन थ्योरी, बट अगर आपको थ्योरी नहीं पता और प्रैक्टिकल करने बैठो ना, तो आपकी मतलब आपके समझ से बाहर हो जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। तो यही एक रीजन है कि उस वजह से हम लोग प्रैक्टिकल पे भी नहीं थ्योरी पे भी हम लोग फोकस देते हैं, तो विच इज वाई हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरेटिकल चीजें भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड मतलब कि हम लोग पढ़ाएंगे। मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ ज्यादा ही हम लोग को मिल रहा है, बट आपको जो चीज मेन जो मैटर करती है वो मिल रहा है, वो है आपको नॉलेज। अब आता है ये हमारा हम वापस आते हैं बैक टू द फर्स्ट कॉम्पोनेंट विच इज सलून। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट पे हम आपको चीज बताना चाहते हैं, दीज आर द केबिन्स एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ सेम केबिन्स। एक में ये है कि एक ये पूरा वैसे है जैसे आप देख रहे हो कि मैंने बेड पे रखा हुआ है अपना ट्राइपॉड और कैमरा,
और यहाँ पे पूरा जो जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी उनको चाहिए, तो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं और सारी चीजें प्रोवाइड है। और यहाँ पे होता क्या है, इट्स बेसिकली फॉर द लेडीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो भी उनके काम होंगे तो यहाँ पे मतलब मेन बाहर के एरिया में नहीं होते, स्पेशली विच इज फॉर द ब्यूटी पर्पजेस। तो हेयर के काम तो फिर भी बाहर चलो ठीक है हो जाते, बट फॉर ब्यूटी पर्पज नहीं, उनको थोड़ा बहुत प्राइवेसी देना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे पूरा सब एरिया यहाँ पे पूरा अच्छे से इनके लिए बना रखा है। एंड देर आर टू केबिन्स, एक ऐसा ही है और सेम दूसरा उधर है, तो देर आर टू केबिन्स और दोनों केबिन बिल्कुल सेम टू सेम है। और कोई मतलब नहीं बनता आपको दूसरा केबिन दिखाऊं, क्योंकि एक केबिन बहुत देखने। दिस इज द केबिन, और इस केबिन में यहाँ पे नॉर्मल पूरा सारा ऐसा सेटअप रहता है। और सेटअप अभी थोड़ा गंदा है, उसके लिए सॉरी, और अभी यहाँ पे काम ही इतना चल रहा था तो अभी गंदा है। और अभी आप सोच रहे हो मम्मी कहाँ है, तो अभी मम्मी अभी वॉशरूम गई हुई है और बहुत टायर्ड है, और इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा हूँ उसमें। तो आप समझ ही सकते हो क्यों, क्योंकि पूरे वक्त वही रहती हूँ तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, उनको बख्श देते हैं, कोई बात नहीं। तो दिस इज हाउ आवर केबिन लुक्स लाइक। और ये पूरा मतलब आप ये सोच रहे हो ये पूरा सा जो केबिन है बहुत ही छोटा है, बट इट्स गुड, और स्पेस कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, और बहुत अच्छा है। आप ही सोच रहोगे कि अभी ये वाली जो स्केच है ये किसने मतलब ये कहाँ से लेकर आया हूँ, किसने बनाया ये मेरी मम्मी ने बनाया है। और ये मैंने सेम मैंने जो पिक्चर है मैंने डाल रखी इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते जरूर फॉलो करो। और ये आपको ऐसी और भी हैं स्केचेस वो आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, ये था मेरे तरफ से, ये पूरा रूम टूर था। सो दिस वाज द फाइनल रूम विच वाज द केबिन। तो ऑफिस के बाद अब सीधा वापस वही आ गए। सो अब आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, बट प्लीज मेरे इस स्पेशल वीडियो के लिए जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा। और दिस इज द वीडियो जो मैं चाह रहा था बहुत टाइम से हो, सो फाइनली नाउ इट्स हैपनिंग। सो आई थिंक कि दिस वॉज माई वंडरफुल एक्सपीरियंस, कि बहुत मतलब कैसे मैंने प्रेजेंट किया, कैसा आपको अच्छा लगा। तो दिस वॉज वेरी टफ फॉर मी और दिस वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी कि किस तरीके से आपको दिखाऊं, बट आई थिंक इन माई परस्पेक्टिव मैंने तो अच्छा किया, बट आपकी क्या राय है वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, और जरूर बताना। और ये वीडियो है जो आप भी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, मैं भी बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। तो यस को जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके बांटो, बढ़ाओ लाइक्स व्यूज सब्सक्राइब सब मतलब फैला दो कुछ भी हो। तो आज आई थिंक इट वॉज अ गुड डे, कि अच्छा रहा टूर, अच्छा रहा और बहुत मजा आया टूर में, और आई होप आप लोगों को भी आया होगा। सो आज वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रॉम हियर। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करना प्लीज, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करना। और सब्सक्राइब आपको कर लेना है, इधर लाल बटन है जिनको दिख रहा है तो कृपया करके लाल को ग्रे में कन्वर्ट कर दो, और नोटिफिकेशन बेल भी साथ साथ दिया हुआ है ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, मगर आपकी क्या राय है मैं जरूर सुनना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, तो जरूर कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।